नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। हिंदुस्तान का एक बड़ा हिस्सा इस वक्त पानी के प्रहार से पस्त है। भारी बारिश और उफनती हुई नदियों ने लाखों लोगों को बेघर कर दिया। ये हाल देश के उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक है। जगह जगह पर बारिश ने ऐसे कहर बरपाया है कि लोग अपना सब कुछ गंवाकर सिर्फ जान बचाने की जद्दोजहद में है। पानी के प्रहार से पस्त हुआ आधा हिंदुस्तान। उफनती लहरों ने लाखों लोगों का सब कुछ लूट लिया। सड़कों पर सैलाब आ चुका है। घरों में तालाब बन चुका है। दिल दहला देने वाला ये वीडियो उत्तराखंड के हल्द्वानी का है। मुसाफिरों से खचाखच भरी ये बस लहरों के भंवर में ऐसी गिरी कि चारों ओर चीख पुकार मच गई। इस बस के दोनों ओर लोगों की भीड़ है। हर किसी को मुसाफिरों की फिक्र भी है, लेकिन इन जानलेवा लहरों से सीधा मुकाबला करने की कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा है। इस बस में 28 लोग जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। पानी घड़ी की सुइयों के साथ बढ़ता जा रहा है। ऐसी सूरत में इन मुसाफिरों को बचाने का अभियान प्रशासन के लिए मुमकिन नहीं था। बस गनीमत ये रही कि पानी में फंसी इस बस की खबर प्रशासन को वक्त रहते मिल गई। इसके बाद स्थानीय लोगों और प्रशासन की मदद से एक एक कर बस में फंसे लोगों को निकाला गया। इस तरह सभी 28 लोगों की जान बचाने में कामयाबी मिली। वहाँ पर पानी में फंसना संज्ञान में आया था। सभी लोग सुरक्षित हैं, लेकिन इसमें प्रथम दृष्टिया थोड़ी सी लापरवाही प्रतीत होती है ड्राइवर के स्तर से। पानी के आगे पस्त जिंदगी की यह अकेली तस्वीर नहीं है। पानी ने न तो सड़कों को बख्शा और न ही घरों को। यही नहीं, कई जगहों पर अस्पताल में मौत से जंग लड़ रहे मरीजों पर भी पानी कहर बनकर टूटा है। ये तस्वीरें पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज की हैं। यहाँ दो दिनों तक हुई लगातार बारिश ने ऐसा कहर बरपाया कि अस्पताल तालाब बन गया। इस पानी ने अस्पताल के उस आईसीयू को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया जहाँ मौत से लड़ रहे मरीजों को भर्ती किया जाता है। सब डिपार्टमेंट को मालूम है, और चूंकि लोअर लैंड है इसलिए कठिनाई होती है। पानी के हमले से निपटने के लिए अस्पताल प्रशासन एक दरवाजे से पानी निकालने की कोशिश कर रहा है, तो पानी दूसरे दरवाजे से अपना रास्ता बनाकर दाखिल हो जाता है। अभी मौजूद हैं पटना सिटी के नालंदा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं 24 घंटे बारिश हुई थी, उसके बाद से इस अस्पताल में पूरी तरह से पानी भर गया था। और तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं जो भी यहाँ पर पेपर रखा हुआ था वो पूरी तरह से भींग गया। मेडिकल कॉलेज में पानी भरने की इन तस्वीरों ने सरकार और प्रशासन के इंतजामों की भी पोल खोल दी। शायद यही वजह है कि बिहार सरकार में शामिल बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन से जब इस बारे में सवाल किया गया तो वो कुछ नाराज हो गए। पानी गया है, इस पर राजनीति क्यों कर रहे हैं लोग? हॉस्पिटल आज का बना हुआ है, ये एनडीए की सरकार में बना है, पहले से बना हुआ है। जो लोग बयान दे रहे हैं उनसे पूछिए कि उन्हीं के वक्त में बना हुआ है। पानी ने जितना मरीजों को परेशान किया है उतना ही मंत्रियों की भी परेशानी का सबब बना हुआ है। ये तस्वीर उत्तर प्रदेश के जेल मंत्री जय प्रताप जैकी के घर की है। इनके घर के इर्द गिर्द इतना पानी इकट्ठा हो चुका है कि जेल मंत्री खुद अपने घर में ही नजरबंद होने के लिए मजबूर हो गए हैं। इस पानी की वजह से मंत्री जी को अपने बहुत से कार्यक्रम रद्द करने पड़े। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लगातार हो रही बारिश का कहर जेल मंत्री के साथ साथ पुलिस पर भी टूटा है। ये तस्वीर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के चौक कोतवाली की है, जहां 3 दिन से हो रही लगातार बारिश की वजह से कोतवाली की दीवार गिर पड़ी। गनीमत ये रही कि बारिश की वजह से इस दीवार के आसपास कोई नहीं था।
इसलिए किसी की जान को नुकसान नहीं हुआ, लेकिन पूरे शहर का हाल बेहाल है। कैसे बहुत सारे इलाके हैं, वो चाहे गोमती नगर का इलाका हो, चाहे विभूति खंड का इलाका हो, पॉलिटेक्निक हो, या जहां हम खड़े हैं लोहिया संस्थान हो, कैंट के इलाके हो, सभी जगह झमाझम पानी भरा हुआ है। लोगों के घरों में भी पानी घुस रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी जैसा ही हाल देश की राजधानी दिल्ली का भी है। यहाँ यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। हरियाणा के हथिनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद यमुना का पानी तेजी से ऊपर बढ़ रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए यमुना के किनारे बसे रिहायशी इलाकों को खाली करा लिया गया है। मूड़ी है, पालक था, सब फसल में नष्ट हो रहा है, सब फसल नष्ट होगी। डर लग रहा है हम लोगों को, जरा जरा से बच्चे तो इसलिए निकाल रहे हैं, क्या करें, मजबूरी है। दिल्ली में यमुना के बढ़ते पानी को देखते हुए सुरक्षा के इंतजाम भी किए जा रहे हैं। यमुना में कई वाटर बोट लगाई गई हैं और गोताखोरों की टीम को भी अलर्ट कर दिया गया है। वाटर लेवल 205.66 मीटर है। इस वक्त मैं दिल्ली सरकार के एक रेस्क्यू बोट पर मौजूद हूं और आप देख सकते हैं यहां तस्वीरों में किस तरीके से जो है यमुना उफान पर है। और सबसे पहले आपको मैं दिखाना चाहूंगा वो जो इलाका है, आप देख सकते हैं वो जो इलाका है किनारे किनारे, वो सब इलाके खेती का इलाका है, वो सब यमुना के पानी में इस वक्त डूब गया है। जबकि राजधानी दिल्ली में यमुना के बढ़ते जलस्तर की वजह से अंग्रेजों के जमाने के बने लोहे के पुल को बंद कर दिया गया है। इसकी वजह से दर्जनों रेलगाड़ियां प्रभावित हुई हैं। हथनी कुंड बैराज से छोड़े गए लाखों क्यूसेक पानी दिल्ली पहुंचने के बाद दिल्ली के यमुना में जल स्तर में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है और इसी वजह से लोहे वाला पुल जो कि दिल्ली में बहुत काफ़ी पुराना ब्रिज है उसे बंद कर दिया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं इस वक्त की लोहे वाला पुल को बंद कर दिया गया है। गाड़ियों की आवाजाही जो टू व्हीलर्स फोर व्हीलर्स और जो तमाम गाड़ी हैं उनकी आवाजाही यहाँ पर बंद कर दी गई। राजधानी दिल्ली में यमुना में हथिनी कुंड बैराज से आए पानी ने कहर बरपा रखा है। अब तक इस बैराज से यमुना में 6 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा चुका है, जिससे यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। पानी के कहर से सबसे ज्यादा परेशान दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोग हैं, जहां पानी ने उन्हें बाकी दुनिया से अलग थलग कर दिया है। इसके अलावा पहाड़ी इलाकों में पानी ने ऐसी तबाही मचाई है कि हजारों लोगों का सब कुछ उजड़ चुका है। पानी ने देश और प्रदेश की राजधानियों में जिस तरह का कोहराम मचाया है उससे ज्यादा मुश्किल दूर दराज के इलाकों में खड़ी कर दी है। पानी इन इलाकों को शहर से जोड़ने वाली सड़कों पर बहा लिया गया है, जिससे यहां मदद पहुंचाना भी बहुत मुश्किलों भरा हो गया है। बारिश ने आधे हिंदुस्तान में मचाया कोहराम, हजारों लोगों को किया बेघर, सैकड़ों लोगों की ले ली जान। पानी ने देश और प्रदेश की राजधानियों को तो पस्त कर ही दिया है, दूर दराज के इलाकों में और भी कोहराम मचा रखा है। ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश में होने वाली श्रीखंड यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं की हैं, जो काली टॉप नाम के इलाके पर पानी के बीच फंस गए। हिमाचल में हर साल होने वाली इस यात्रा के लिए निकले श्रद्धालुओं पर बारिश का कहर ऐसा टूटा कि 2 लोगों की जान चली गई। भारी बारिश की वजह से रास्ते में पड़ने वाले नाले उफान पर हैं। ऐसे में यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए लोग रस्सियों के सहारे नाले को पार कर रहे हैं। इसी तरह यहां फंसे सैकड़ों श्रद्धालुओं ने जान पर खेलकर इस नाले को पार किया। हिमाचल प्रदेश के बाकी इलाकों में भी बारिश ने इसी तरह कोहराम मचा रखा है। ये हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के पास की सड़क है, जहां भारी बारिश की वजह से दर्जनों पेड़ गिरे हुए हैं, जिसकी वजह से ये सड़क बंद है। ऐसा ही हाल पठानकोट में मंडी को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग का भी है। यहाँ भूस्खलन की वजह से सड़क को बंद करना पड़ा।
हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के साथ साथ भूस्खलन ने तबाही मचा रखी है। शिमला में एक भूस्खलन की वजह से दर्जनों गाड़ियां जमींदोज हो गई। वो एकदम दीवार गिर गई थी जिसके कारण बंद रही सड़क, वो अचानक हुआ था, लेकिन हमारे जो डिस्ट्रिक्ट के अधिकारी थे वो तुरंत वहां पर पहुंच गए और उन्होंने जो है उसको खुलवाया भी है। पहाड़ी इलाकों की तरह मैदानी इलाकों में बारिश ने लोगों की जिंदगी मुश्किल कर दी। घर और सड़कों में पानी भरने की वजह से लोग पानी में ही रहने के लिए मजबूर हैं। बारिश और पानी ने भगवान राम की नगरी अयोध्या में भी कहर बरपा रखा है। यहाँ सरयू का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है जिससे नदी के किनारे रहने वाले लोगों को हटाया गया है, लेकिन शहरों में रहने वाले लोग भी पानी की वजह से पूरी तरह परेशान हैं। सड़कों पर पानी भरने की वजह से लोग घरों में कैद हो गए हैं, जबकि निचले इलाके में रहने वाले लोगों के घरों में भी पानी दाखिल हो चुका है। अयोध्या में तो बहुत त्रासदी और सरयू के किनारे जितने भी बसे हुए हैं सब पीड़ित हो जाते हैं, उनसे डूब जाते हैं। पानी बढ़ चुका है, इसमें पानी बिल्कुल ऊपर आ रहा है। बिहार में गंडक नदी ने भी कहर बरपाया हुआ है। ये अपने साथ सब कुछ बहाकर ले जा रही है। गंडक की वजह से सैकड़ों गांव पानी में डूब चुके हैं, जबकि अब तक करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हो चुका है। इसके साथ ही पटना में हो रही बारिश के बाद सड़कों पर सैलाब आ चुका है, लोग सड़कों पर नाव से चलने के लिए मजबूर हैं। बारिश का कहर देश के हर शहर और गांवों में देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर पानी पुलों को भी बहा ले गया है, जिससे मुसीबत और बढ़ गई है। बाढ़ और बारिश की वजह से अब तक देश में सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है, जबकि करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हो चुका है। ये उत्तर प्रदेश के मेरठ में बने एक पुल की तस्वीरें हैं, जो भारी बारिश की वजह से अचानक जमींदोज हो गया। इस पुल के गिरने की वजह से मेरठ के करीब आधा दर्जन गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया है। ये पुल जिस तरह से जमीन में धंसा उससे एक बड़ा हादसा भी हो सकता था, लेकिन गनीमत ये रही कि बारिश की वजह से उस वक्त पुल पर कोई मौजूद नहीं था। बारिश की वजह से पूरे भारत में जो तबाही मची हुई है उसने सैकड़ों लोगों की जान ले ली है। बाढ़ से उत्तर प्रदेश के 40 जिले प्रभावित हैं, जबकि बिहार के 14 जिलों में बाढ़ का कहर है। इसके अलावा महाराष्ट्र के 26 जिले बाढ़ से बेहाल हैं, वहीं पश्चिम बंगाल के 22, असम के 21 और केरल के 14 जिलों में बाढ़ ने कोहराम मचा रखा है। गुजरात के 10 और राजस्थान के 7 जिले भी बाढ़ प्रभावित हैं। बाढ़ और बारिश का ये कहर इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि आने वाले वक्त में अभी और बारिश होनी तय है, क्योंकि अभी तो मानसून की शुरुआत ही हुई है। ऐसे में अगर शासन प्रशासन की नींद नहीं टूटी तो भारी तबाही का खतरा है।